नेचुरल रबड़ पेड़ों से कैसे निकलता है और इसकी खेती कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस फिल्म में दी जाएगी। इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखें और हो सके तो बच्चों को भी फिल्म दिखाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि नेचुरल रबड़ कैसे तैयार होता है। और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रबड़ बनता है रबड़ के पेड़ से निकलने वाले दूध जैसे पदार्थ लेटेक्स से। रबड़ के पेड़ पर एक तरीके से कट लगाया जाता है और इसी कट से धीरे धीरे ये दूध जैसा दिखने वाला लेटेक्स निकलता है। किसान अलग अलग पेड़ों पर ये कट लगाते हैं और फिर सभी कप से लेटेक्स एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस इकट्ठे किए गए लेटेक्स को किसान प्रोसेसिंग यूनिट पर ले जाते हैं। यहाँ इसमें केमिकल डाला जाता है और फिर इसे सीट बनाने के लिए रख दिया जाता है। कुछ देर बाद ये लेटेक्स इस तरह जम जाता है और फिर इससे सीट बनाई जाती हैं। इन सभी सीट को एक निश्चित तापमान पर सुखाया जाता है। इसके बाद इन सीट को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और इस तरह रबड़ की सीट तैयार हो जाती है। लेटेक्स से बनी इस नेचुरल रबड़ की सीट से ही अलग अलग रबड़ के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे टायर, ट्यूब और दूसरी चीजें। अब बात करते हैं रबड़ की खेती की। भारत में रबड़ के पेड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मिलते हैं, लेकिन लगभग 90% रबड़ का उत्पादन अकेले केरल से होता है। रबड़ की खेती के लिए एक विशेष तरह के वातावरण की जरूरत होती है, इसीलिए रबड़ के पेड़ हर जगह नहीं उगाए जा सकते। लेकिन जहां रबड़ के पेड़ पैदा हो सकते हैं, वहां किसान रबड़ की खेती कर सकते हैं। एक एकड़ में 100 से 150 तक पेड़ लगाए जा सकते हैं। एक पेड़ से एक साल में करीब 7 से 8 किलो लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स का मार्केट में भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिलता है। इस तरह एक साल में एक पेड़ से 400 से 500 रुपए का लेटेक्स बिकेगा और एक एकड़ में लगभग 40 से 50 हजार रुपए का सालाना। लेटेक्स के भाव कम मिलने के कारण अब रबड़ की खेती किसानों के लिए ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं रह गई है। हाँ, यदि लेटेक्स के भाव अच्छे मिले तो रबड़ की खेती से अच्छी आमदनी हो सकती है। तो ये थी नेचुरल रबड़ की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।